गवर्नर हाउस जाएंगे, गवर्नर हाउस करके दो, ये हक है हमारा, करके दो, ये हक है हमारा, करके दो, ये हक है हमारा, करके दो। गवर्नर हाउस जाएंगे, 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 गवर्नर हाउस जाएंगे, 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 गवर्नर हाउस जाएंगे, जाएंगे, जाएंगे। जी हम इसलिए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इन्होंने जो ऑर्डर निकाला है कि 60 इयर्स को रिटायरमेंट कर रहे हैं ये, लेकिन बाहर ये 65 को ये रिटायरमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे 60 इयर्स के ये रिटायरमेंट कर रहे हैं, और हमारे साथ बहुत ज्यादतियाँ हो रही हैं, और हम ना हमारा तनख्वाह कहीं पे ना हमारा, हम ये कह रहे हैं कि करो रिटायरमेंट, कोई बात नहीं, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन बट हम कह रहे हैं कि हमें उसमें कुछ दीजिए, कुछ रिटायरमेंट के बाद कुछ होना चाहिए, हमारा पेंशन मिलना चाहिए, लेकिन ये हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं। आप देखिए हम सारा काम कर रहे हैं, लाडली बेटी जो मोदी सर, ये मोदी सर का जो बोले लाडली बेटी करो वो करो, ये हम सारा कर रहे हैं, इलेक्शन ड्यूटी दे रहे हैं, सेंसस ड्यूटी दे रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ जातियां हो रही है। ये हमारी एक बहन है, इसको 3 महीने के बाद सुपरवाइजर पोस्ट मिल रहा था, लेकिन इसके साथ भी जाति हो गई, जो ये मोदी साहब ने यही निकाला, इन्होंने गवर्नर साहब कह रहे हैं कि रिटायरमेंट 60 ईयर्स के है, इसके साथ जाति हो गई। आप लोगों ने परसों भी प्रोटेस्ट किया, तब से लेकर अभी तक कोई कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, बस हम इंसाफ चाहते हैं, हम इंसाफ चाहते हैं और कुछ नहीं, हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए।